सबसे पहले तो मैं माननीय जयंत चौधरी को, हमारे मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पैरालंपिक के पदक विजेताओं को जो उन्होंने सम्मान किया है, और स्किल डेवलपमेंट जो लियोन फ्रांस में एक चैम्पियनशिप हुई थी उसके पदक विजेताओं का भी मान सम्मान किया गया। एक यूथ का मान सम्मान होता है, देश के पदक विजेताओं का मान सम्मान होता है, तो एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच जाती है। आज मेरे ख्याल से कोई भी देश का युवा जब इस कार्यक्रम को देखेगा तो वो सोचेगा मैं भी स्किल में करूं, मैं मेरे देश के लिए मेडल जीतूं और आने वाले समय में दुनिया में भारत का नाम रोशन करूं। हमने दिल्ली में, मैं बियाबो पीसीआई प्रेसिडेंट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद आप लोग भी आए थे, और मैंने कहा था कि 25 से हम ज़्यादा मेडल जीतेंगे। हमने 29 मेडल जीते, हमने कहा टॉप 20 मेडल टैली में रहेंगे, हम 18वें नंबर पर रहे हैं। आज दुनिया ने भारत को स्पोर्टिंग राष्ट्र मान लिया है कि भारत एक खेल के क्षेत्र में सबसे बढ़ता हुआ राष्ट्र है। ये हमारे लिए स्वाभिमान की बात है और फख्र की भी बात है। आने वाला जो समय है उसमें हम, जैसे आज ही मैंने बोला था मंत्री जी के सामने कि हम कोलिब्रेशन में काम करेंगे। हम आर्मी से कोलिब्रेशन किया है, आर्मी के हम जो ट्रैक हैं उनको काम में लेंगे, और जिन्हें आर्मी पर्सन को इंजरी हो जाती है वो स्पोर्ट्स में हम डेवलप करेंगे उनको। इनके अलावा स्किल डेवलप जो डिपार्टमेंट है इसमें हम कोलिब्रेशन करके हम अच्छे काम करेंगे। अच्छी व्हीलचेयर कैसे बना सकते हैं हम, अच्छा आर्टिफिशियल पैर कैसे बना सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्लीपर कैसे तैयार कर सकते हैं, नए नए आइटम यदि हम बनाएंगे ताकि हम स्पोर्ट्स में आगे जाना है। तो मेरा ये मानना है स्किल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है इसमें हमें जुड़ने की ज़रूरत है आज के समय में।